ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो रेडी है हमारा चिकन साते, ये फ्राई हो चुका है, शेफ निकालते हैं इसे। हाँ, निकालने से पहले मैंने एक नॉर्मल टिश्यू पेपर ले लिया है ताकि जितने भी इसके एक्स्ट्रा जो ग्रीस है पूरा निकल जाए। आप ये देखेंगे, ये मैंने जैसा कहा था, ये ऊपर से क्रिस्प होना चाहिए और अंदर से जूसी। इसे निकालने के पहले आप प्लेट में एक टिश्यू पेपर डाल दीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसका वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर ले। सी, थोड़ा गर्म है इसलिए मैं बोल रहा था इसको पानी में भिगाने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे भी ऑयल रहता है इसका। जी जी। तो बिकॉज इट्स अ साते, इट्स अ इट्स यू डोंट रिक्वायर टू हैव अ फोर्क और नाइफ टू हैव दिस, यू कैन जस्ट पिक अप इट एंड हैव इट एंड यू कैन वॉक एंड हैव इट यू कैन। तो ये चिकन साते रेडी है और खाने के लिए भी रेडी है। आई कैन नॉट रेसिस्ट ईटिंग दिस नाउ शेफ, आई एम गोइंग टू ईट दिस। मैडम रुकिए, वी विल डू अ प्रेजेंटेशन फॉर इट। ओह ओके ओके, नाइस प्रेजेंटेशन फॉर इट। फाइन फाइन, आई विल वेट फॉर सम मोर टाइम। सो पेशेंस, बिकॉज खाना बनाना ज्यादा जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि खाने का विजुलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी, आई अपील जो खाने के साथ आती है। तो इसके लिए मैंने एक पीनट सॉस बनाया है। ओके, सो बेसिकली पीनट बटर एंड थाई करी पेस्ट, हमारा जो मैरिनेशन बचा था उसमें हमने थोड़ा सा पीनट बटर यूज़ किया, उसको गर्म कर दिया है। सो सेम मैरिनेशन वी हैव यूज्ड अगेन फॉर अ डिप। अगर घर में पुदीने की चटनी है, इमली की चटनी है, कुछ भी नहीं है तो केचप, तो वी कैन यूज दैट। और मैंने एक तो इतने टाइप्स के चटनीज के साथ हम इसे खा सकते हैं, पुदीने की चटनी या केचप। अभी यहाँ पे हमारे पास है टर्मरिक सॉस, और ये क्या है शेफ? ये टर्मरिक सॉस है, हमारे पास जो पहले कोकोनट मिल्क था मैंने उसमें हल्का सा हल्दी पाउडर डाल दिया। ओके ओके, दैट्स बिकम अ टर्मरिक सॉस। सो गुड, सो इफ यू सी आई एम पुटिंग दिस ऑन टॉप ऑफ अ टकीला शॉट ग्लास। ओके, सो इफ यू सी इट फ्रॉम द साइड, ये दोनों को मिक्स करना है सॉस को, और ये जस्ट डेकोरेशन के लिए है। सो वी कैन डिप इट, सो वी विल हैव लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक सॉस एंड वी विल हैव लिटिल बिट ऑफ पीनट सॉस। सो फॉर गार्निश वी विल हैव लिटिल बिट ऑफ चाइनीज ग्रीन्स, मेक अ नाइस डोलप ऑफ इट। Because सिर्फ मीट खाने से क्या मजा है, थोड़ा सा सलाद भी होना चाहिए। And we'll have one more piece of chicken satay. Okay. Voila. Now you can taste it, ma'am. Now our dish is ready. So now the dish is ready, the chicken satay with turmeric sauce and with the salad. So I'm going to taste it now. इसको डिप कर लिया हमने ताकि इसमें दोनों फ्लेवर आ चुका है चटनी का। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये, इसको सलाद के साथ भी खाने में काफ़ी मज़ा आएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर है इसमें चटनी का, साते का, थाई, इंडोनेशियन सब फ्लेवर इसमें आ चुका है। तो हम छोटा सा रिकैप लेते हैं इसी के साथ और हमारे सेकेंड सेशन में मिलते हैं, यूज़फुल टिप्स, शेफ का जादू। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा ये हमारी इंटरेस्टिंग डिश। तो शेफ थोड़ी और जानकारी देते हैं इस डिश के बारे में, इसको किस तरह से वेरिएशन दिया जाए। शेफ बताइए किस तरह से इसको लाइक वेजिटेरियंस भी खा सकते हैं। चिकन की जगह पे अगर वेजिटेरियन है तो पनीर, पनीर के लंबे लंबे क्यूब्स काट लीजिए और उसको साथ स्टिक में लगा के सेम मैरिनेशन, सेम प्रोसेस, उसको सेम तरीके से बना लीजिए। अगर आप एकदम हार्डकोर वेजिटेरियन है तो यू कैन यूज़ बेबी कॉर्न्स।
बेबी कॉर्न भी साते के शेप में बहुत अच्छा लगता है, तो एक डाइट साते हो जाएगा। और सी फूड लवर है तो यू कैन पुट प्रॉन्स फिश, सो वन डिश विद डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यू कैन मेक, सो दैट इज देयर। सो इस साते के कई सारे वेरिएशंस है, आप पनीर यूज़ कर सकते हो, मिक्स वेजिटेबल यूज़ कर सकते हो अगर ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो। तो ये सारे वेरिएशन शेफ ने हमें बताया, आप अपने क्रिएटिविटी इसमें डालिए और बनाइए ये साते। तो हमारा अब वक्त होता है कुछ अमेजिंग टिप्स का जो शेफ आज हमें बताएंगे। एक कॉमन सी चीज़ है प्याज, अनियंस, जब भी हम इसको पील करते हैं तो आँख से आंसू निकलते हैं। ओके, ये तो है। तो व्हाट इज माई सजेशन, लाइक वेन एवर वी पील अनियन, ओके, थोड़े से एक लूक वार्म वाटर में इसको सोक करके रख लीजिए। आफ्टर पुटिंग इट इन वाटर, इट आपके आंखों से उतने आंसू नहीं निकलेंगे जितने भी निकलते थे। तो एक बेसिक टिप है जो हम होटल में फॉलो करते हैं। काफ़ी खूबसूरत टिप बताया है शेफ ने हमें, लाइक जैसे हम ऑनियन पील करते हैं तो हम बस रोने लग जाते हैं कंटिन्यूसली, और वी हेट टू पील द ऑनियंस। तो सबसे बेस्ट है कि इसको ल्यूक वार्म वाटर में डिप करके, छील के इसको डिप करके, फिर इसको निकाल के हम कट कर सकते हैं, जिससे ये आइज़ के लिए हार्मफुल नहीं रहेगा। और नेक्स्ट इज पोटैटोस, व्हेनेवर वी बॉइल पोटैटो इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पील। तो हमें क्या करना चाहिए, पोटैटो को थोड़ा सा इंसिशन मार दे यहाँ से। ओके, इंसिशन लगाने के बाद लेट इट बॉइल इन अ बॉइलिंग वाटर, और जैसे ही इसको बॉइलिंग वाटर से निकालो उसको ठंडे पानी में डाल दीजिए, आइस वाटर, देन यू ट्विस्ट इट, तो होल पोटैटोस पील ऑफ। सो वेरी इजी, बॉइलिंग वाटर में डालिए, जैसे ही पोटैटो बॉइल हो गया उसको ठंडे पानी में डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए, पूरा का पूरा पोटैटो छिला हुआ निकल जाएगा। अच्छा, तो एक ही साथ वो पूरा निकल जाएगा। पूरा निकल जाएगा। और द नेक्स्ट टिप विच आई वॉन्ट टू गिव इज यूजिंग अ लेमन। यूजली हम घर पर देखते हैं कि अगर लेमन काटना हुआ तो लोग एक का दो कर देते हैं सीधा उसको। ओके, तो होटल्स में हम ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं करते, बिकॉज एक का दो करने से क्या होता है, इसमें सीड रह जाता है अंदर। ओके, तो यूजुअली व्हाट वी डू, वी कट लेमन इनटू फोर पीसेस लेंथवाइज फोर पीसेस किया, देन वी कट इनटू स्लांट, वी कॉल दिस अ वेजेस, वी कॉल दिस अ वेजेस। सो इसका सीड भी नहीं है और हमारे पास लेमन का पूरा जूस है। Okay. So it can be used for salads, it can be used for finger bowls, it can be used for nimbu pani, whatever you want to make. So same time we can remove the seeds. So if you see, there is no seed. Okay. There is no seed and as well as there is no wastage also. पूरा सिर्फ लेमन के सिर्फ सीड्स बाहर रह गई और लेमन पूरा कटा हुआ बाहर आ गया। तो ये काफ़ी यूजफुल टिप्स बताए हैं शेफ ने हमें, जैसे ये लेमन में अभी एक भी सीड नहीं है आप देख सकते हो, नहीं तो हम इसको जब दो टुकड़ा करते हैं घर पे तो काफ़ी सारा सीड निकालने में बहुत मुश्किल होता है। तो ये काफ़ी इजीली शेफ ने कर दिया है, काफ़ी इजी स्टेप है ये, तो आप ये कर सकते हो। और एक और चीज़ हम देखा कि नींबू, जब नींबू काट लेते हैं, यूज़ किया हुआ नींबू है या इसको फ्रिज में रख दें तो ये बहुत अच्छा एयर फ्रेशनर का काम भी करता है फ्रिज के लिए। तो व्हेनेवर वी हैव पील्ड अनियन, पील गार्लिक और ऐसा कुछ जो स्मेली आइटम जो है फ्रिज के अंदर, जैसे कि इफ यू पुट सम सी फूड इन द फ्रिज इट टेंड्स टू गिव यू लिटिल ऑफ स्मेल, सो इफ यू पुट अ कट लेमन इन द फ्रिज इट वर्क्स एज अ एयर फ्रेशनर फॉर अ फ्रिज। सो वन ऑफ द, काफी सारे यूजफुल टिप्स हमको आज जानने मिले हैं, जैसे फ्रिज ओपन करते ही हमको बहुत ज्यादा स्टिंक हो जाता है, कभी सी फूड रख दिया या एग ओपन करके या ऑनियन रख दिया, तो इसमें सिर्फ आधा आपको नींबू काट के फ्रिज कि कहीं कोई भी एरिया में रख देना है और जैसे ही आप ओपन करोगे कोई भी तरह का स्टिंक नहीं होगा फ्रिज में। तो काफ़ी सारे ये यूजफुल टिप्स आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपने बहुत एंजॉय किया होगा हमारा ये एपिसोड आवाज़ की दावत, आज की दावत। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर कोई नए रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।